तो बिल्कुल यहाँ पर हम लाइव आ चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर लाइव जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग पारुल श्रीवास्तव, रिया जायसवाल, गुड इवनिंग, वेलकम है आज के इस लाइव सेशन में आप सभी स्टूडेंट का। और जल्दी से क्लास में आप जुड़िएगा जिससे एक भी प्रश्न आपके मिस ना हो। यहाँ पर सभी को क्लास ज्वाइन कर लेना है, तो ये बिल्कुल आपके लिए ही रखा जाता है लाइव सेशन, जिससे आप अपना यहाँ पर लाइव आंसर कर सकें। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और फिर हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। क्लास में जुड़ेंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने बाकी दोस्तों के साथ जो आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जिससे उन्हें भी हेल्प मिलती रहेगी। और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल से। जो स्टूडेंट नए जुड़ेंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शिवानी आर्ट क्लासेज, जहाँ पर आपके आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। पूजा कुमारी गुड इवनिंग, प्रियंका चौहान गुड इवनिंग, और सभी का यहाँ पर मोस्ट वेलकम है इस लाइव सेशन में। तो यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे, 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे ही क्वेश्चन आपके समकालीन कलाकारों से जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी लोग देखते आए हैं कि जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले, यहाँ पर समकालीन कलाकारों को काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपका जो समकालीन कलाकारों का टॉपिक है वो इस समय कराया जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए एक बार और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, मैं उनके लिए बार बार नहीं बोलती हूँ, जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे उनके लिए ये बात बोली जाती है। ओके, तो चलिए वॉइस क्लियर आ रही है एक बार आप लोग बता दीजिएगा, वॉइस क्लियर है सभी को? फिर हम देखेंगे एक एक प्रश्नों को, रिप्लाई करें जल्दी से। यहाँ पर वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, पूजा कुमारी जी मैम वॉइस क्लियर है, ओके चलिए वेल डन। तो फिर हम शुरुआत करते हैं, बस थोड़ा सा एक दो मिनट और देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट और जुड़ जाएं हमारे साथ, इसके बाद हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा यहाँ पर। तैयारी में स्पीड बढ़ा दीजिए क्योंकि अब आपके पास जो समय है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने का समय बचा हुआ है, तो बिल्कुल इस टाइम का आप यूज़ करते हुए जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन, और जो बाद में पढ़ेंगे उसको भी हम साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के 30 क्वेश्चन में देखिएगा 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और इसीलिए ये सिर्फ कलाकारों के हैं, समकालीन कलाकारों के प्रश्न। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक अभी थोड़ा सा तैयार करना बाकी है, इसलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो इस समय कलाकारों को मैंने लिया है और यहाँ पर कलाकारों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी आर्ट एग्ज़ाम की बात करें तो कलाकारों से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 तक कराया जा चुका था आपको, आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से डेली 30-30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखने को पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बाकी स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रोफेसर KS कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? ऑप्शन क्या है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई है, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली है, या फिर संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। तो जैसा कि इसका आंसर पंकज पांडे ने दिया है और पूजा कुमारी ने दिया है, प्रियंका चौहान ने भी दिया है, तो सभी ने इसका आंसर 31 का डी आंसर यहाँ पर बताया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। बात करें अगर KS कुलकर्णी के और जो कलाकृतियां हैं, तो इन्होंने बनाया है माता व पुत्र, ठीक है,
माता व पुत्र, इनकी जो प्रमुख कलाकृतियां हैं माता व पुत्र हो जाएगा, पनघट, पनघट, ठीक है। और ये सारी ही कलाकृतियां आप खुद से सर्च करके देखिए, कभी भी ये मत सोचा करिए कि क्लास में क्यों मतलब दिखाया जाए। जब आप इसे स्वयं सर्च करेंगे, आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप और अच्छी स्टडी कर सकते हैं। चीज़ों को सर्च कीजिए, जितनी बार आप सर्च करेंगे और जितनी बार डीप में जाएंगे, तो आप बार बार अगर देखते हैं तो वो आपके माइंड में खुद ही ऐसे फिट हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको वो भूलेगा ही नहीं। तो माता व पुत्र है, पनघट है, साथ में इन्होंने बनाया है कबाड़ी, ठीक है, कबाड़ी, खेत, बैल, और क्या, कथावाचक, ठीक है, श्रृंगार, टोकरी लिए लड़की, तो ये सभी इनकी कलाकृतियाँ हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 31 का सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं। समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कलाकारों की डिटेल जानकारी वहाँ पर आपको दी गई है। तो ऑप्शन क्या है, मुगल शैली है, कंपनी शैली है, आधुनिक शैली और बंगाल शैली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये किस चित्र शैली के हैं, तो यहाँ पर 32 का सी आंसर, यहाँ पर पूजा कुमारी ने 32 का सी आंसर दिया है। सभी लोग आंसर यहाँ पर देते रहेंगे, अपना आंसर यहाँ पर कमेंट में टाइप करते रहेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये किस चित्र शैली के थे, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आधुनिक शैली, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र जो थे ये आधुनिक शैली के थे, और साथ में इन्होंने अपने जीवन के 67वें वर्ष में चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है। और ये भारतीय अति यथार्थवादी कलाकार थे, भारतीय अति यथार्थवादी कलाकार रहे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे, 32 का सी आंसर आया हुआ है। और अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कलाकृतियाँ हैं इनकी बात करें, तो इन्होंने क्या क्या बनाया है, थके हुए यात्री, ठीक है, थके हुए यात्री। इसके अलावा इन्होंने बनाया है लाफिंग फेस, ठीक है, लाफिंग फेस किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का लाफिंग फेस। गुड इवनिंग फाइव स्टार जोन, और यहाँ पर सभी को गुड इवनिंग है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए देखेंगे, थके हुए यात्री है, माँ व बच्चा, सफ़ेद धागे, इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है क्रंदन करता ऊँट, क्या है, क्रंदन करता ऊँट। इसके अलावा है प्राचीन कानाफूसी, ठीक है, नर्तकी, नर्तकी इन्होंने ही बनाया है, नर्तकी, ठीक है। इसके अलावा अंगूर की ओर आकर्षित हिरन, तो ये सभी किसकी कलाकृतियां हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, जो एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती हैं और निश्चित रूप से पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए सभी लोग। तो प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसौली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की। अंजलि इलामेनन होंगी, अमृता शेरगिल, कमल कृष्ण या फिर नीलिमा शेख। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताना है जिसने बसौली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की। पूजा कुमारी सबसे पहले आंसर दिया है, अमृता शेरगिल, प्रियंका चौहान का भी आंसर आ चुका है। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, सभी लोग आंसर यहां पर करेंगे, फटाफट आंसर टाइप करिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। एग्ज़ाम में आप इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए कि वहाँ पर सोचने का समय ना लगाइए, और जल्दी से आंसर आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल की बात करें तो इन्होंने बसौली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा ली। साथ में इनका जन्म सभी लोगों को मालूम होगा 1913 ईस्वी में हंगरी में, ठीक है, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। और
1937 में इन्होंने भारत का भ्रमण किया। इस दौरान इन्होंने अजंता के चित्रों को देखा और जिसका प्रभाव इनकी कला पर पड़ा है, ठीक है। और गोगवा की ताहिती कला ने भी अमृता को काफ़ी प्रभावित किया है। अमृता शेरगिल की कृतियों की बात करें यहाँ पर, तो अगर आपको जो भी कलाकार हैं उनके विषय में जो भी जानकारी है फटाफट आप टाइप करते रहेंगे। तो अमृता शेरगिल की कलाकृतियों की बात करें तो इन्होंने बनाया है जिप्सी गर्ल है, इसके अलावा इनका ग्रामीण दृश्य है, चारपाई पर महिला है, भिखमंगे हैं, टोरसो है, गरीब मजदूर है, ब्रह्मचारी है, वधु का श्रृंगार है, ठीक है, हाथी का स्नान, हल्दी पीसती औरतें, फल बेचने वाले, ये सभी किसकी कलाकृतियाँ हैं? अमृता शेरगिल की। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे इवान पेवाजोस्की, निकोलस रोरिक, मार्क शेगाल, लिवान बक्स्ट। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर फटाफट। यहाँ पे 34 का आंसर पूजा कुमारी ने दिया है बी आंसर। सभी लोग जल्दी जल्दी टाइप करेंगे आंसर यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोलस रोरिक। ठीक है, निकोलस रोरिक जो है ये मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं, पर्वत के स्वामी कहे जाते हैं। जन्म इनका हुआ 1874 ईस्वी में, ठीक है, 1874 याद रखेंगे, रूस में। और 1924 में ये भारत आए थे, साथ में इनके जो भित्ति चित्र पैनल हैं, ठीक है, तो निकोलस रोरिक जो थे ये रूसी थिएटर में संगीत चित्र और अभिनय का सफल समन्वय का उल्लेख इन्होंने किया है। इनके अगर हम कलाकृतियों की बात करते हैं निकोलस रोरिक के, ठीक है, सभी लोग आंसर करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। 34 का आंसर सभी यहाँ करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर यहाँ पर करेंगे सभी लोग। तो अगर निकोलस रोरिक की कृतियों की बात करें तो इन्होंने बनाया है सुबह की प्रार्थना। क्या बनाया है? सुबह की प्रार्थना, ठीक है, सुबह की प्रार्थना, ये किसका है? निकोलस रोरिक का हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पाथ टू कैलाश, इसके अलावा क्या बनाया है? पाथ टू कैलाश, ठीक है, पाथ टू कैलाश, ये सभी निकोलस रोरिक का है। इसके अलावा इन्होंने बनाया है रोस्ताव द ग्रेट, ठीक है, एंट्रेंस टू द कैमलिन, तो ये सभी निकोलस रोरिक की कलाकृतियाँ हो जाएंगी। चलिए 34 का यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल राइट है, राइट आंसर ऑप्शन बी, निकोलस रोरिक मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जन्म 1874 में हुआ रूस में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर है 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पर सभी लोग देंगे। रणबीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी, मधुशाला होगी, उमर खयाम होगा, बीजू का या फिर अनवांटेड। रणबीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला इनमें से कौन हो जाएगी? थर्टी फाइव का डी आंसर प्रियंका चौहान।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनवांटेड। तो अनवांटेड किसकी है? रणबीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला है। और यहाँ पर इनका जन्म कब होता है? तो रणबीर सिंह बिष्ट का जन्म कब होता है जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पवन कुमार सिंह ने डी आंसर दिया है, मोनिका पवन पवार ने डी आंसर दिया है, क्वाइसार्ड जोन अनवांटेड, वेरी गुड। तो यहाँ पर बताइएगा रणबीर सिंह बिष्ट जो हैं इनका जन्म कब हुआ है, जल्दी से आप लोग टाइप करेंगे रणबीर सिंह बिष्ट का जन्म कब हुआ, कब और कहाँ हुआ, तो जल्दी से टाइप करेंगे। रणबीर सिंह बिष्ट का जन्म यहाँ पर कब हुआ? तो इनका जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा, 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928 ईस्वी में, कहाँ पर? गढ़वाल में, ठीक, गढ़वाल में। इसके अलावा रणबीर सिंह बिष्ट जो हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ से इन्होंने कला की शिक्षा पूरी की है। कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ से इन्होंने अपनी कला की शिक्षा पूरी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सभी लोग करेंगे, मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? लखनऊ हो जाएगा, मुंबई, लाहौर, कोलकाता। मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है सही है, लखनऊ। मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? लखनऊ। इन्होंने बनाया है सिटी स्केप फर्स्ट, सिटी स्केप फर्स्ट, और इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं, ज़रूर से पढ़िएगा, सिटी स्केप सेकेंड भी इन्होंने बनाया है, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर उतना क्लियर नहीं हो पाता। तो इनका जो चित्रों का विषय था लखनऊ, सिटी स्केप फर्स्ट और सिटी स्केप सेकेंड, ये दोनों ही कलाकृतियाँ किसकी हैं? मदनलाल नागर की। तो सभी का आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। मोनिका पवार जी पूछ रहे हैं कैसे हो मैम, वेरी नाइस, हम तो बहुत ठीक ठाक हैं, आप सभी लोग कैसे हैं बिल्कुल बताइएगा, और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, मेन इम्पॉर्टेंट है ना। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में अपनी स्टडी आप जारी रखिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इस समय का सदुपयोग आप करते रहें। नेक्स्ट देखेंगे, कौन वॉश चित्रकार नहीं है? बद्रीनाथ आर्य होंगे, नलिनी कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगताई, दिलीप दास गुप्ता। तो बताइएगा यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का डी आंसर आ चुका है, बाकी लोग आंसर करते रहेंगे, कौन वाच चित्रकार नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे। अभी आपके पास टाइम है, और आप जो भी टॉपिक आपका रह गया है बिल्कुल आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता। कौन वॉश चित्रकार नहीं है? दिलीप दास गुप्ता। इसके अलावा बद्रीनाथ हारी, नलिनी कुमार मिश्र और अब्दुल रहमान चुगताई, तीनों ही वॉश चित्रकार हैं यहाँ पर। अच्छा, दिलीप दास गुप्ता की बात करें तो इनका जन्म 1931 में शिमला में हुआ था। शिक्षा इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक से किया, और बाद में नेपल्स इटली से इन्होंने कला की शिक्षा ली है, ठीक है। दिलीप दास गुप्ता BHU के दृश्य कला संकाय से इन्होंने चित्रकला के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है। इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं? तो टेम्पल बनारस, ठीक है, टेम्पल बनारस 1966 का है। इसके अलावा पवित्र शहर वाराणसी, बाजार का दृश्य, ये सभी इनकी कलाकृतियां हैं।
तो राइट आंसर डी हो जाएगा 37 का। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर है 38, आंसर दीजिएगा यहाँ पर। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में होगा? ठीक है, ऑप्शन ए महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन डी है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर यहाँ पर करेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी जो कि भित्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने भित्ति चित्र में ख्याति अर्जित की है। ठीक है, बात करें इनके सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है, तो इनके जो सर्वाधिक भित्ति चित्र हैं वो शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय में बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा चीनी भवन हिंदी भवन में भी इन्होंने अपने प्रसंग और विषय बनाए हैं चित्र। ठीक है, पूछा भी जाता है, तो चीनी भवन और हिंदी भवन में भी इन्होंने भित्ति चित्र बनाए हैं। इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में इनके सर्वाधिक भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्रामीण जीवन मध्यकालीन संत एवं संत कवि, इनके जो उल्लेखनीय चित्र हैं, फेमस चित्र हैं, ग्रामीण जीवन है, मध्यकालीन संत है और संत कवि। ठीक, इसके अलावा सत्यजीत राय ने इन पर वृत्त चित्र भी बनाया है इनर आई शीर्षक के नाम से। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जानकारी आप सभी लोगों ने ली होगी विनोद बिहारी मुखर्जी की, और इनका जो डिटेल क्लास आपको मिलेगा वो चैनल पे समकालीन कलाकारों के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? मुल्क राज आनंद होंगे, कुमार स्वामी होंगे, निहार रंजन रे होंगे, मोती चंद होंगे। जल्दी से आंसर टाइप करेंगे, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन रहे? 39 का ए आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पूजा कुमारी, पवन कुमार और मोनिका पवार, तो सभी ने 39 का ए आंसर किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका के संपादक रहे मुल्कराज आनंद, और यह पत्रिका जो है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से प्रकाशित होती है। ठीक है, मुल्कराज आनंद का उपन्यास है अनचटेबल्स। ठीक है, अनचटेबल्स, जिसमें उन्होंने भारत में अछूत समस्या का चित्रण किया है। तो ये भी याद रखेंगे, किसका उपन्यास है अनचटेबल्स? मुल्कराज आनंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 40। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? के हैबर होंगे, ए रामचंद्रन होंगे, विकास भट्टाचार्य जी होंगे या फिर एन एस बेंद्रे। तो डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। बहुत फेमस प्रश्न है, सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही राइट है, तो ऑप्शन सी विकास भट्टाचार्य जी हो जाएंगे। इन्होंने डॉल सीरीज यानी कि गुड़िया श्रृंखला, ट्यूबवेल का उद्घाटन, ऑन लूकर, ये सभी चित्र बनाए हुए हैं। तो विकास भट्टाचार्य जी जो हैं ये फोटोग्राफी यथार्थवाद में काफ़ी रुचि रखते थे। ठीक है, और इनकी ये डॉल श्रृंखला जो है काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में, क्या लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप सर्च करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करें। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है? विनोद बिहारी मुखर्जी होंगे, नंदलाल बोस होंगे, असित कुमार हालदार होंगे, के जी सुब्रमण्यम। लास्ट में आप जरूर बताइएगा 30 में से किसके कितने राइट आंसर होते हैं। ठीक है, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर बताइएगा। तो 41 का आंसर यहाँ पर सभी कर रहे हैं। तो 41, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र का चित्रण किया है? तो वो है, ठीक है, मीराबाई जो भित्ति चित्र है, ध्यान देंगे यहाँ पर सभी आंसर बी कर रहे हैं, नंदलाल बोस। ठीक है,
भित्ति चित्र की बात की गई है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। देखिए नंदलाल बसु ने भी बनाया है, ठीक है, नंदलाल बसु ने भी बनाया है मीराबाई का भित्ति चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से आप चेक कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन प्रश्न ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, और ये यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन मैंने लिया है। बिल्कुल, बड़ौदा में नंदलाल बोस ने बनाया है और कीर्ति मंदिर में नंदलाल बसु के द्वारा बनाया गया जो भित्ति चित्र है वो कला भवन शांति निकेतन और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 41 का यहाँ पर ए आंसर आप सही टिक करेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है ये प्रश्न, आगे बढ़े बताइएगा एक बार। मोनिका पमार बोल रही हैं, नहीं मैम, तो क्या मतलब आपको क्या डाउट है इस क्वेश्चन में, अपना आप कंफ्यूजन क्लियर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसको आप फिर से देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 42, तो 42 देखेंगे, आंसर करेंगे, रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित है, कला समीक्षा, नाटक, कहानीकार, फिल्म का पटकथा लेखन। ठीक है, फिल्म, पटकथा, लेखन, रतन परिमु जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। तो यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सभी लोग आंसर देंगे, रतन परिमु जो हैं ये कला समीक्षक हैं। ठीक है, कला समीक्षक हैं और इनका जन्म जो है श्रीनगर कश्मीर में हुआ है। ठीक है, कला समीक्षक हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। इनकी पेंटिंग्स जो हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संग्रह में रखी गई हैं। और लंबे समय तक ये बड़ोदरा के एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में कला इतिहास के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43, सांवरी चित्र किसने बनाया है, नित्यानंद महापात्र होंगे, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेन धीर, बद्रीनाथ आर्य। क्वेश्चन नंबर 43, तो सांवरी जो चित्र है ये बद्रीनाथ आर्य के द्वारा बनाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सभी का स्मृति, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर देखेंगे सांवरी चित्र किसने बनाया है, बद्रीनाथ आर्य ने बनाया है। ठीक है, और ये ग्रामीण महिला को इसमें सजते संवरते चित्रित किया गया है, ये जो सांवरी चित्र है यहाँ पर ग्रामीण महिला को सजते संवरते चित्रित किया गया है। ठीक है, नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित है ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 44,
44 का आंसर करेंगे, कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? तो ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल होंगे, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र। साथ ही ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग, कल के लिए मैंने 6 PM की क्लास शेड्यूल की है, जहां पर आपको सौंदर्य शास्त्र आपका टॉपिक बताया जाएगा, ठीक है? तो स्मार्ट कला रिवीजन नोट से सौंदर्य शास्त्र जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 23, वो आपको कंप्लीट वहां पे बताया जाएगा। तो उस क्लास में आप लोग जरूर से जुड़िएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। 6 PM टाइम याद रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र। और इनके विषय में जरूर से पढ़िएगा, हो सकता हो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं अवधेश मिश्र, और अवधेश मिश्र की जो फेमस कृति है वो कौन सी है? बिजुका, ठीक है? बिजुका सभी लोग याद रखिएगा, 2007 में इन्होंने बनाया था, ठीक है? ये चित्रकार और कला समीक्षक दोनों हैं, ठीक है? इसके अलावा भारतीय कला के हस्ताक्षर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारतीय कला के हस्ताक्षर ये किसकी पुस्तक है, ठीक है? भारतीय कला के हस्ताक्षर किसकी पुस्तक हो जाएगी, जल्दी से टाइप करेंगे। भारतीय कला के हस्ताक्षर किसने लिखी है? ज्योतिष जोशी, स्मृति, वेरी गुड। तो ज्योतिष जोशी के द्वारा लिखी गई है भारतीय कला के हस्ताक्षर, और अवधेश मिश्र के द्वारा लिखा गया है कला विमर्श। तो ये दोनों ही बुक आप याद रखिएगा, ठीक है? साथ में इनकी जो श्रृंखला है, कृति है, विजुका कृति इन्होंने बनाई है अवधेश मिश्र ने, इसको भी याद रखेंगे। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। यहाँ पर ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन रहे हैं? रणवीर सिंह बिष्ट होंगे, जयकृष्ण अग्रवाल होंगे, एस जी श्रीखंडे होंगे, या फिर दिनकर कौशिक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये चित्र श्रृंखला किसकी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रणवीर सिंह बिष्ट की ये श्रृंखला है, ठीक है? रणवीर सिंह बिष्ट जिनका जन्म कब होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928, वेरी गुड स्मृति, और गढ़वाल उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, याद रखेंगे 1928 गढ़वाल उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कलाकारों की मैंने 3 क्लासेस दी हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तो उत्तर प्रदेश विविध आप सर्च करेंगे तो भी आपको वो क्लासेस मिलेंगी, नहीं तो आप शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल सर्च कीजिएगा, और चैनल मिलने पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, ठीक है? तो वहाँ पर जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के कलाकारों के प्रश्न हैं मैंने वहाँ करा दिया है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ये याद रखेंगे। साथ में रणवीर सिंह बिष्ट जो हैं ये जल रंग और तैल रंग की तकनीक में दोनों में ही पारंगत थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 46। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? J.M.S. मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामुली, ठुकराल एंड टावरा। तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? अगर आपको किसी कलाकारों के विषय में डिटेल क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आने वाली क्लासेस में मैं उन कलाकारों के विषय में आपको डिटेल वीडियो बना के दे दूंगी, ठीक है? तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे। सुदर्शन पटनायक का जन्म 15 अप्रैल 1977 ईस्वी में कहाँ हुआ? पूरी उड़ीसा में। हालांकि इनके विषय में मैंने डिटेल क्लास दी हुई है, तो वहाँ से आप सारी ही जानकारी जरूर से देख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 47। MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? रेशम का कपड़ा होगा, लकड़ी के फलक होंगे, कैनवास होगा,
हस्तनिर्मित कागज़ होगा। ये भी प्रश्न आपका UPTGT 2021 में आ चुका है, तो ध्यान से देखेंगे। MF हुसैन, इनका जन्म कब होता है? 1915 में पंढरपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। 9 जून 2011 लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसके अलावा 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ली थी, ठीक है। मकबूल फुदा हुसैन, इनका पूरा नाम भी, ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने महाभारत श्रृंखला कैनवास पर बनाया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर कैनवास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, महाभारत श्रृंखला जो इन्होंने बनाया है, इसके 30 चित्र ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए थे 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 48। प्रश्न देखिएगा, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया है? ऑप्शन है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता होगा, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, दृश्य कला संकाय मिदानपुर। तो विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? आंसर करेंगे सभी लोग 48 का सी आंसर। वेरी गुड, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ललित कला संकाय MSU बड़ौदा से इन्होंने कला संस्थान में अध्ययन किया है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा कमेंट सेक्शन में सभी लोग, आपने तैयारी कर रखी है तो बताएंगे विवान सुंदरम का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। सभी कलाकारों के जन्म आप देख लीजिएगा कब और कहाँ हुआ, ठीक है। तो शिमला, वेरी गुड मोनिका पवार, और 1943 में प्रियंका चौहान, वेरी नाइस। तो इसी तरह से सभी कलाकारों के जन्म कब और कहाँ हुए, निधन कहाँ हुआ, ये ज़रूर से आप लोग तैयार करेंगे। अलग से इसको एक जगह नोट कर लें सारे ही कलाकारों का, ठीक है। तो विवान सुंदरम का जन्म 1943 में कहाँ हुआ? शिमला, ठीक है। और विवान सुंदरम ने MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा में ललित कला संकाय से स्नातक की उपाधि इन्होंने ली, ठीक है। इनकी जो बलुआ पत्थर, लॉन्ग नाइट ड्राइंग्स इन चारकोल इन इंजन, वर्क्स ऑन पेपर और मूर्ति शिल्प है, इंस्टॉलेशन है, ठीक है, जैसे मेमोरियल व मासोलियम। इसके अलावा इन्होंने क्या बनाया? रिवर कैरेज इट्स पास्ट, ये सभी कलाकृतियाँ इनकी श्रृंखलाएँ हैं, तो इनके विषय में डिटेल क्लास देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49। सारे ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? सुबोध गुप्ता, अंजु डोडिया, भारती खेर, रियाज कोमू। अपनी कला जो अपनी जो चित्राकृतियां हैं इसमें बिंदी का प्रयोग कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 49। का सी, बाकी लोग आंसर दीजिए। बिंदी का प्रयोग कौन करता है अपनी कृतियों में? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारती खेर, ठीक है। तो जो भारती खेर हैं, ये जो अपनी कलाकृतियां बनाती हैं इसमें बिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है। जन्म 1969, याद रखेंगे, लंदन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और इन्होंने नागरिकता भारतीय, भारत की नागरिकता ली है, ठीक है। सुबोध गुप्ता, सुबोध गुप्ता जो कि एक भारतीय समकालीन कलाकार हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सी आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, भारती खेर जो कि अपनी कलाकृतियों में बिंदी का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 50।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है, तो अभी आपको बताया गया है ये प्रश्न, आंसर कीजिएगा जामिनी राय होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी। 50 का आंसर यहाँ पर आ चुका है, पूजा कुमारी, प्रियंका चौहान, ठीक है, सभी ने आंसर डी आंसर किया है, वेरी गुड। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कीजिए, बिंदु चित्र श्रृंखला डैश ने बनाई अकबर पदम सिंह होंगे, के हैबर होंगे, एस एच रजा, तैयब मेहता। तो 51 का आंसर करेंगे, बिंदु चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है, 51 का सी आंसर यहाँ पर। और स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स मैंने सारे ही चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, आपके एक दो चैप्टर और रह गए हैं उसको भी पूरा करा दिया जाएगा, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जो भी स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहता है अभी भी समय है, आप रिवीजन करते हुए अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो आप एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल सीधे आप नोट्स खोलेंगे और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा वहाँ से। बिंदु चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस एच रज़ा, सैयद हैदर रज़ा इनका पूरा नाम है। ओके, इनका जन्म बबेरिया एमपी में हुआ, ठीक है, 1922 से 2016, वेरी गुड। तो बिंदु चित्र श्रृंखला जो है ये एस एच रज़ा के द्वारा बनाई गई, और इनकी जो एक फेमस पेंटिंग है बहुत पूछी जाती है, कौन सी है, सौराष्ट्र, कौन सी है, सौराष्ट्र, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के ये संस्थापक सदस्य थे, सैयद हैदर रज़ा जो हैं ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पैग ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे, ठीक है, साथ में ये एक दृश्य चित्रकार थे, और 1981 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, पद्मश्री, ठीक है, 1981 में पद्मश्री, साथ में 2007 में पद्म भूषण, इसके अलावा 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कीजिए, अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा हो जाएगी, वीपी सिंह होंगे, सतीश गुजराल होंगे, टी बैकुंठम होंगे, या फिर जोगिन चौधरी। अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है, क्वेश्चन नंबर है 52। 52 का आंसर यहां पर बी आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतीश गुजराल, ठीक है। अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा होगी, सतीश गुजराल की होगी, ठीक है। अच्छा, कोलाज चित्रण जो है ये सतीश गुजराल का सबसे प्रिय माध्यम था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कोलाज किस कलाकार का सबसे प्रिय माध्यम था, तो सतीश गुजराल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 53। 53 का आंसर करेंगे, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है, सुधीर खास्तगीर होंगे, हरिहर लाल मेड़ होंगे, मदन लाल नागर, नित्यानंद महापात्र। मेघदूत चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन होंगे, क्वेश्चन नंबर 53 का बी आंसर। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर लाल मेड़, ठीक है, मेघदूत चित्र श्रृंखला जो है हरिहरलाल मेड़ ने बनाई है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 53 के सभी के आंसर यहां पर बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54।
क्वेश्चन नंबर है 54 आंसर करेंगे। यहाँ पर प्रश्न देखिए, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, कोची। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, तो यहाँ पर 54 का ए आंसर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जो है ये लखनऊ में बना है, और ये किसने बनाया है आंसर कीजिए, किसने बनाया है? केजी सुब्रमण्यम ने, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम ने लखनऊ में स्थित रविंद्रालय के जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पर ये उनका प्रसिद्ध म्यूरल बना है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कौन सी पुस्तक? चलिए याद करिए, मूविंग फोकस, मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट, ये सभी किसकी पुस्तकें हैं? केजी सुब्रमण्यम की हैं, जरूर से पूछी जाएंगी तो याद रखिएगा। साथ में याद रखेंगे ये क्या क्या थे, तो के जी सुब्रमण्यम जो थे चित्रकार भी थे, चित्रकार के साथ साथ मूर्तिशिल्प बनाते थे, म्यूरलिस्ट भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, और लेखक, कवि और कला चिंतक भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 55। मुर्गी की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल, एन एस बेंद्रे, के हैबर, एम एफ हुसैन। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई किसका है? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, के हैबर का चित्र है ये, मुर्गे की लड़ाई, ठीक है। और इनके और जो प्रमुख चित्र हैं उसमें देखिएगा, पर्वत धारा, कौन सा चित्र है? पर्वत धारा, ठीक है। संगीत, इसके अलावा इन्होंने बनाया है प्रवाह, अजंता, माँ बेटी, मयूर, पनघट, ये सारे ही चित्र हैं के हैबर के, ठीक है। और मुर्गे की लड़ाई जो है ये इनका रेखा चित्र है, ये भी याद रखेंगे, मुर्गे की लड़ाई जो चित्र है ये किस प्रकार का चित्र है? रेखा चित्र है, ठीक है। धान कूटते हुए, ये भी इनका रेखा चित्र है। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, यहाँ पर बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसने बनाया है? के हैबर होंगे, राम कुमार, के एच आरा, एन एस बेंद्रे। बांग्लादेश का जन्म, ये जो चित्र है किसने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 56 का ए आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के हैबर, ठीक है। बांग्लादेश का जन्म, ये जो शीर्षक चित्र है ये के हैबर का होगा। इसके अलावा मुर्गे की लड़ाई, धान कूटते हुए, टाइल फैक्ट्री, ये सारे ही चित्र इन्हीं के हैं। और इनका जन्म 1912, याद रखेंगे, कर्नाटक के एक छोटे से गांव कांटीगिरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर यहां पर करेंगे। प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक, असद अली। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आ चुका है, 57 का बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। अशोक भौमिक, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, ये बुक लिखी है अशोक भौमिक ने, ठीक है। अशोक भौमिक का जन्म याद रखिएगा 31 जुलाई 1953,
ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसके अलावा और कौन कौन सी इनकी बुक है, तो याद रखिएगा इन्होंने लिखा है मोनालिसा हंस रही थी, ठीक है, इनका पहला उपन्यास जो कि पूछा जा सकता है, आई स्पाइस, ठीक है, कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है, बादल सरकार, व्यक्ति और रंगमंच, शिप्रा एक नदी का नाम है, ठीक है, ये पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हैं। ये केशव मलिक जो हैं ये एक भारतीय कवि के साथ साथ, ठीक है, कला और साहित्यिक आलोचक भी हैं, ठीक है, कला विद्वान और क्यूरेटर भी थे। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कला समीक्षक बने रहे, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग सभी को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, बाउल डांस, बिजुका, ययाति, उमर खयाम, तो ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला यहाँ पर कौन सी होगी, आंसर यहाँ पर सभी लोग आंसर करते रहेंगे, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला, राइट आंसर ऑप्शन सी, ययाति, और इनके विषय में भी चैनल पे मैंने क्लास दी हुई है, ठीक है, तो ययाति जो है ये भित्ति चित्र है और ये 7x60 फीट है, ठीक है, इसकी माप याद रखेंगे 7x60 फीट है। इसके अलावा ये बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ययाति ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, ठीक है, और यह महाकाव्य महाभारत से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है ययाति किससे संबंधित है, तो ये महाभारत से संबंधित है। ए रामचंद्रन जो है चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार भी थे, ठीक है, इसके अलावा उमर खयाम और अरेबियन नाइट्स ये दोनों अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र श्रृंखलाएँ हैं, तो याद रखिएगा। बिजुका मैंने पहले ही बताई है, अवधेश मिश्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 59, के एस कुलकर्णी का जन्म बेलग्राम कर्नाटक में हुआ जो डैश से संबंधित रहे, तो ऑप्शन है जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, ठीक है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, नेक्स्ट है भारत कला परिषद कर्नाटक, तो कहाँ से संबंधित रहे, तो आंसर देंगे 59 का आंसर यहाँ पर, 59 का आंसर यहाँ बी आंसर आ चुका है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंधित रहे के एस कुलकर्णी। इनका पूरा नाम क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि कलाकारों का पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो के एस कुलकर्णी का पूरा नाम क्या था, के एस कुलकर्णी का पूरा नाम कौन बताएगा यहाँ पर, जल्दी से टाइप करें। के एस कुलकर्णी का पूरा नाम कृष्ण श्यामाराव कुलकर्णी, वेरी गुड, चलिए 59 का बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इनकी जो कलाकृतियाँ हैं, माता पुत्र है, पनघट है, कबाड़ी है, खेत है, टोकरी लिए लड़की, बैल, ये सभी इनकी कलाकृतियाँ मैंने पहले भी बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 60 और आज का ये लास्ट का प्रश्न होगा, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताएंगे, जिन्होंने तैयार कर लिया है वो साथ में रिवीजन करते हुए चलेंगे और जिन्होंने नहीं तैयार किया है तो वो उनकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, बीरेन डे होंगे, सतीश गुजराल होंगे, तैयब मेहता, राम कुमार, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक किसने बनाई है एक्रेलिक में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर करेंगे, लास्ट का प्रश्न है, सभी लोगों को आंसर यहाँ पर करना है, रेखा रानी, मोनिका पंवार, प्रियंका चौहान, ठीक है, पवन कुमार सिंह, तो सभी का आंसर यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी, तैयब मेहता, ठीक है, तैयब मेहता, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक जो है ये एक्रेलिक में तैयब मेहता ने चित्रित किया है। इसके अलावा मेहता का प्रसिद्ध चित्र और है संथालों का बसंत उत्सव, याद रखिएगा,
हो सकता हो ये पूछ लिया जाए। तो संथालों का बसंत उत्सव किसका चित्र है? तैयब मेहता का है। इसके अलावा है ट्रेसिड बुल, ये भी चित्र इन्हीं का है। ठीक है, संथालों का बसंत उत्सव, ट्रेसिड याद रखेंगे, बुल याद रखेंगे और सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक और भी जो इनके फेमस चित्र हैं। अच्छा, सभी कलाकारों के जितनी भी फेमस कलाकृतियाँ हैं उसको मैंने एक क्लास में पहले ही दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी सभी का बिल्कुल सही है। क्लास में जुड़ने के लिए सभी स्टूडेंट का थैंक्स, और इसी तरह से आप डेली ही क्लास में जुड़ेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए जो स्टूडेंट जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 6 PM मैंने शेड्यूल कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट राकेश गोस्वामी के स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स देखना चाहते हैं, बुक को पढ़ना चाहते हैं, वो वहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग तैयारी करते रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। सभी को धन्यवाद।